अकवा मुत के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गट्रस ने हाल ही में एक हाई लेवल एडवाइज़री बॉडी लॉन्च की है जो ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ़ एआई के मौजूद पर रहनुमाई करेगी इस एडवाइज़री बॉडी में 39 नाइन मेम्बर्स शामिल हैं और ये एडवाइज़री बॉडी साल के आखिर तक तीन एरियाज़ जिनमें इंटरनेशनल गवर्नेस ऑफ़ ए आई जनरेटिव ए आई और इस टेक्नोलॉजी से मुंसलिक रिस्क एंड चैलेंजस पर सिफारशा मुरतब करेगी और जनाब खुशी की खबर ये है कि इस बॉडी में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली समाजी निगह दाद को भी शामिल किया गया है इस खबर में खुशी के दो पहलू हैं एक तो ये कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी और दूसरी इतनी अहम आलमी एडवाइजरी बॉडी में पाकिस्तानी खातून की मौजूदगी पाकिस्तानी खुतिन के शूर और जहानत का सबूत है जी आ, बिल्कुल जैसे बतायात की जा रही है aquí extra seca

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल ये इस, इस जहानत को हमने कंट्रोल कैसे करना है लगाकर गुड लक ओके जी तो आज की दूसरी जो एक बहुत इम्प्रेसिव खबर है वो ये कि पाकिस्तान के स्टार एथलीट हैदर अली ने चीन में होने वाले एशियन पैरा गेम्स में मेंस डिस्कस थ्रो के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर पहली पोजीशन अपने नाम कर ली है।, है हैदर अली ने 51.53 मीटर्स की रफ्तार से डिस्कस थ्रो किया और उसमें जो है वो गैर मामूली स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया हैदर अली से पहले भी कई दफ़ा पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं 2008 में पाकिस्तान को पहला पैरालंपिक मेडल दिलवाया सितंबर 2021 में पाकिस्तान के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडल बने और अब चाइना में होने वाले फोर्थ यांगजू एशिया पैरा गेम्स में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया इन्होंने तो हैदर हम सबको आपकी कामयाबी पर फख्र है और आप इसी तरह पर्चम को बुलंद रखी और हमारी यूथ को तौर पर इंस्पायर करते रहे जबरदस्त जबर जबर। है और आना है मैं तो वो वो लिस्ट बना रही हूँ की कि किस किस को जो है ना आज वो आ जाए क्रिकेट व्हील चेयर क्रिकेट टीम जो थी हमारी हाँ ये भी आपको जी जी बिल्कुल हो गई है तो अब इसके बाद जो है ना बाकी असाइनमेंट का टाइम है बिल्कुल ठीक अच्छा जी जी तीसरी तीसरी खबर खबर क्या है 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 भी जो है वो एक गोल्ड मेडलिस्ट बेटे के बारे में है। जी। आ, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जमील रिजवी ने बैंकॉक में होने वाली ए ओपन एवोल्यूशन जियो बेल्ट ब्लू बेल्ट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है इस चैम्पियनशिप में तीन से ज्यादा खिलाड़ी शामिल थे जमील रिजवी ब्लू बेल्ट ओपन वेट में तीन सख्त मुकाबलों के बाद गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए खेल के मुख्तलिफ मैदानों में, में मुल्क का परचम सरबुलंद करने वाले तमाम हीरो और और कर अंदाजा होता है कि पाकिस्तान में खेल का बेपना टैलेंट मौजूद है जिसको सिर्फ थोड़ी सी ना इंकरेजमेंट की और रहनुमाई की जरूरत है वेरी गुड वेरी गुड जमील शाबाश बहुत बहुत मुबारक हो आपको और ये जमील का भी नाम आप जनाब जमील रिजवी आप लिस्ट में कोई बात नहीं अच्छी बात है उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद ये याद रखना ज़िंदगी तो अगर काम से भागना चाहते हो तो बस फिर काम अच्छा ना, ना करो ताकि और काम ना मिले नहीं नहीं नहीं। काम और अगर तो काम, काम अच्छा करोगे तो काम और मिलेगा बिल्कुल जो तीन बहुए होती है ना सबसे अच्छा जो खाना बनाती है तो वो जो है घर वाले फिर उसी बहू को कहते हैं फिर बाकी दोनों देख के सबक लेती है इतना बुरा बनाओ क्या को मुझे आता ही नहीं है नहीं।

और ऐसा क्या मुमकिन है कि जिस तरह हम साबुन से हाथ धोकर बाकी वायरसेस जर्म्स वगैरह से जो है वो निजात पा लेते हैं तो कोई ऐसा साबुन हो जिससे फेस वॉश करके हम स्किन कैंसर के सेल्स को ख़त्म कर दें अब तक ऐसा नहीं था लेकिन अब अमेरिका की रियासत वर्जीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले चौदह साल नौजवान ने एक ऐसा साबुन बना लिया है जो स्किन सेल्स को कैंसर से महफूज बनाने में मदद देता है इस छोटे से साइंटिस्ट ने सोप में खास कंपाउंड्स मिलाकर बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट तख्लीक की है नाइन्थ ग्रेड के ये स्टूडेंट हैं चौदह साल हेमन बेकले को इस साल अमेरिका स्टॉप यंग साइंटिस्ट का टाइटल भी दिया गया है hmm. और ये एक बहुत ही हैरत अंगेज़ तख्लीक है और हम उम्मीद करते हैं कि इस तहकीक और तख्लीक पर मज़ीद काम करके उसको दुनिया के लिए दस्याब किया जाए वाजिवा वाजिवा देखिए इसका मतलब ये हुआ कित का

नहीं अपनी जिंदगी गुजार सक रहे हैं I, I really want to do this, कि अब ये क्या एक्शन होगा ये मुझे नहीं पता तो नहीं, मैं तो चीज नहीं, नहीं, चीज़ चाहिए प्रोडक्ट। लेकिन मुझे तोसिक हाँ। so, साहब मैं तो कैंसर uh, का जो नाम है ना उसी से इतना डर लगता है इतना खौफ आता है मैं कैंसर से रिलेटेड कोई ऐसी जो है ना अपनी मेडिकल साइंस के लोगों के साथ मिलकर कोई ऐसी चीज़ ऐजा करना चाहूँगी कि किसी भी किस्म का कैंसर हो अगर वो जल्दी स्टेज पे डायग्नोज हो गया ना

खेल में शामिल हो सकते हैं आने वाले पूरे वीक में कोई ऐसी चीज आप बताइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो आप अगर आपको पावर मिल जाए कोई जादू की छड़ी मिल जाए तो आप क्या चीज इजाद करना चाहेंगे मैं क्या इजाद करना चाहूंगा मैं एक ऐसा पैराशूट इजाद करना चाहूंगा जो जहाज पे लगाओ अच्छा। और जहाज कभी क्रैश करने लगे तो पायलट वो बटन दबाए और एक बड़ा सा पैराशूट उस पूरे जहाज के ऊपर खुल जाए और जहाज़ पैराशूट के साथ नीचे आ जाए और तमाम जाने पर जाए तमाम जाने एक ऐसा पैराशूट जो पूरे बोइंग या एयरबस या जो भी जहाज है उसको उसको सेव कर, सेफ कर, सेफ कर रहे। रहे। इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी तो फिर मैं कहती हूँ जहाज तो जहाज तो फिर हमारे यहाँ की जो गाड़ियां हैं मोटर कार्स हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक दम जो एक्सीडेंट तो से से एकदम है ना वो जो आपका एयर बैग खुल जाता है तो वो तकरीबन उस तरह की ही चीज है लेकिन डिपेंड करता है कि अब आप कितनी स्पीड में जाकर गाड़ी मारते हैं एयर बैग भी आपको बचा सकते हैं तो भाई मेरी इजाद आपने सुन ली आप भी हमें बताएं कि आप क्या इजाद करना चाहेंगे मुझे लगता है पहले से सोच के रहे थे

साथियों, uh, राजीव पाकिबे छोटे सौ ब्रेक ब्रेक के बाद हामिद हशमत क्रिकेट और हमारा सवाल कि आप हामिद से क्या सवाल करना चाहते हैं क्रिकेट hmm. के हवाले से मेरे साथ अभी मिलते हैं